हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो। सो फ्रेंड, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले चल जाना होगा आपके फेसबुक के अकाउंट पर। तो फ्रेंड, मैं चल जाता हूँ मेरे फेसबुक के अकाउंट पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ मेरे फेसबुक अकाउंट पर। उसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ दिख रहा है 3 लाइन, आपको उसके ऊपर टच कर लेना है। फ्रेंड, उसके ऊपर टच करने के बाद आपको चल जाना है सेटिंग्स पर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, चल जाना सेटिंग्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स है, आपको इसके ऊपर टच कर देना है। फ्रेंड, टच करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन दिखेगा, आपको इसके ऊपर टच कर लेना है। फ्रेंड, टच करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। फ्रेंड, आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ लिखा होगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसका मतलब होता है कि आप अगर कोई आपके FB अकाउंट को हैक करता है, फिर उसे अगर लॉगिन करना चाहता है, तो क्या होता है उस टाइम उसको वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा उस नंबर पे, जो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में डाला गया है। तो फ्रेंड, उस समय वो अगर उस OTP को नहीं दे पाता है, तो उस पर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें ज़रूर से एनेबल करना चाहिए, जिससे कि कोई भी हैकर इसको एक्सेस ना कर पाए। सो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग यही करेंगे, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। आपको चल जाना यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड, करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का 2 ऑप्शन खुल जाएगा, एक है ऑथेंटिकेशन ऐप और दूसरा है टेक्स्ट मैसेज। तो हम लोगों को चल जाना है यूज टेक्स्ट मैसेज पे। आपको यहाँ दिख रहा होगा यूज टेक्स्ट मैसेज, आपको उसके ऊपर टच कर देना है। तो फ्रेंड, टच करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मेरा नंबर है, दूसरा है ऐड फोन नंबर। तो फ्रेंड, अगर आप इसे फ़ोन नंबर से इस आईडी को खोले, तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ शो कर जाएगा, और अगर आपका आईडी एक ईमेल से खोला गया, तो आप इस यहाँ पर ऐड फोन नंबर करके एक फ़ोन नंबर डाल सकते हो। सो फ्रेंड, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं इसे कर दूंगा कंटिन्यू। तो फ्रेंड, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, आप देख सकते हैं मेरा कन्फर्मेशन कोड आ गया, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड, डालने के बाद आप देख सकते हैं, जो OTP आया था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑन हो चुका है। अगर आप इसी आईडी को आप खुद अगर किसी और डिवाइस में खोलते हो, तो क्या होगा, उसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन दिखेगा। आप खोलना चाहोगे तो आपका उस नंबर पे एक OTP जाएगा, आप OTP को डालोगे, तभी आपका वो अकाउंट उस पर खुलेगा। सो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को दूसरों से हैकरों से बचा सकते हो। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।